अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस खुशी के मौके पर तमाम अहले इस्लाम, खासकर मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, मेरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहता चलूँ कि ये एक ऐसा दिन है, अल्लाह ताला ने हमें इसको नसीब फरमाया, चाहेंगे कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में बार बार नसीब फरमाए। तो ईद के मौके पर अपने लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने रिलेटिव्स की, वो रिश्तेदार वो रिलेटिव जो थोड़े से कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली किसी तरीके से कमज़ोर हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उनका भी ख्याल रखा जाए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा जाए, अपने गिर्द नवा में देखा जाए कि कौन है जो ईद मनाने में समर्पित नहीं है इस टाइम पर, उसकी भी ईद करवाई जाए। ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों से कि भाई आप सब लोग जो हैं अपने दाएं बाएं आगे पीछे रिलेटिव्स में, रिश्तेदारी में सब जो है उसी नज़र रखें। और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएँ। अल्लाह ताला ये दिन जो है हमें ज़िंदगी में बार बार नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला इस दिन के वसीले से, इस माह रमज़ान के वसीले से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलों को आसान फरमाए, हमारे हिंदुस्तान के लोगों की मुश्किलों को आसान फरमाए, आराम से रहने की जो है एक गनीमत जो है, चैन से रहने की एक जो गनीमत जो है वो अल्लाह ताला हर किसी को नसीब फरमाए। इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।